हेलो एवरीवन, दिस इज़ ट्रेडिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस हफ्ते का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं फ्रॉम 17th to 21st जुलाई। हाउ मार्केट हैज़ बिहेव्ड एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई मार्केट हैज़ बिहेव्ड इन दिस वे। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको नेक्स्ट वीक के जो मार्केट में होने वाला है उसके बारे में आपको हेल्प करेंगी। एंड आई एम श्योर जिन लोगों ने मेरा पिछले हफ्ते का वीकली एनालिसिस वीडियो देखा होगा पूरा, दे कुड को रिलेट कि इस हफ्ते उन्होंने जैसा मैंने बताया था एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही बिहेव करा है, एंड दे मस्ट हैव मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एज वेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एट द वेरी फर्स्ट गो वी विल गो ऑन वीकली चार्ट्स। वीकली चार्ट्स में लास्ट वीक आई टोल्ड कि इसने एक इंडिसीजन कैंडल बनाया जहाँ पर कि अपर विक भी है एंड लोअर विक भी है, यानी कि इंडिसीजन इज देयर। एंड आई टोल्ड कि अगर एनी डेली चार्ट में अगर 45,184 के ऊपर क्लोजिंग देगा देन BNF विल फ्लाई। सो इस हफ्ते BNF ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, ऑलमोस्ट 3% उसने राइज दिया है, मोर देन 1200 पॉइंट। एंड मैंने ये भी बताया था कि बैंक निफ्टी बहुत शूट अप करने वाला है। व्हाई आई टोल्ड यू, आई जस्ट कवर इट अप। लास्ट वीक वाले वीकली एनालिसिस में मैंने बताया था दैट फ्राइडे को इसने एक हैमर कैंडल बनाया, इट इज़ अ वेरी बुलिश कैंडल और इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ये वाली कैंडल बनाई थी। एंड आई सेड दैट कि नाउ बैंक निफ्टी विल फ्लाई, एंड इट इवेंचुअली डिड दिस वीक। सो लेट्स गो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम नाउ। एंड इस हफ्ते में मैंने काफ़ी सारे ट्रेड्स लिए थे एंड मैंने काफ़ी सारे ट्रेड्स अपने चैनल पर भी डाले थे एंड मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाए थे। फॉर दैट मेरा ट्रेडिंग सीक्रेट्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज उसमें मैं अपने सारे वीडियोज़ जो हैं वो डालता रहता हूँ। एंड दीज आर द थिंग्स जो मैंने लिया था ट्रेड एंड आई हैव नॉट डिलीटेड देम सो दैट आई कैन टेल यू, बिकॉज आई टोल्ड यू इन माई चैनल दैट लॉजिक विल वाई आई हैव टेकन दीज ट्रेड्स, द लॉजिक विल बी कवर्ड इन माई वीकली एनालिसिस वीडियो। ओके, सो इन दिस या इन लास्ट वीक वीडियो वीकली एनालिसिस में मैंने स्पेशली इफ़ यू हैव नॉट सीन जस्ट आप 28 मिनट पर जाइए एंड वहाँ से मेरा वीडियोज़ देखिए, हार्डली 2 मिनट का, यू विल सी मैंने ये वाला एरिया मार्क करा था। एंड मैंने बताया था कि अगर मार्केट 45,074 के ऊपर जाता है, एंड आई यूज़ दिस वर्ड कि यू मार्क दिस एरिया, BNF विल फ्लाई। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो टिल येट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच इट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वॉट हैज़ हैपन दिस वीक। ओके, सो माई फर्स्ट ट्रेड जो मंडे को ही आ गया था, मंडे को देर वॉज गुड, उस दिन मंडे को HDFC का रिजल्ट था एंड HDFC का आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट वुड बी अ गुड रिजल्ट एज वेल, बिकॉज एंटायर मार्केट वॉज वेटिंग एंड बैंक निफ्टी जो है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा था एंड इट वॉज वेटिंग टू हिट द ऑल टाइम हाई अगेन एंड अगेन। ओके, सो एक ट्राइंगल सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बना था एंड यहाँ पर मैंने अपने ग्रुप पर दिया था कि अबव दिस, एंड मैंने स्पेशली कहा था प्लीज़ डू नॉट मिस बैंक निफ्टी बिकॉज आई न्यू दैट दिस इज़ गोइंग टू फ्लाई एंड ओवर हियर इट एक्चुअली फ्ल्यू। सो यहाँ पर ये मैंने ट्रेड लिया था बिकॉज माई SL वॉज वेरी लेस एंड सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट दे रहा था एंड इट वॉज अ गुड न्यूज़ बेस्ड ट्रेड एंड अबव दैट आई न्यू इट कि 45,074 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो आई टोल्ड फर्स्ट टारगेट वुड बी 45,167, नेक्स्ट वुड बी 260 एंड थर्ड वुड बी 340। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कंटिन्यूसली 45,500 तक चला जाएगा, आई पर्सनली वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। सो मैंने ये ट्रेड लिया था एंड आई कंटिन्यूड इन दिस ट्रेड कंटिन्यूसली बिकॉज अबव 45 देर वॉज ह्यूज शॉर्ट्स कवरिंग वॉज एक्सपेक्टेड, ऑल जितने भी 45,000 के कॉल राइटर्स थे दे वर ऑल ट्रैप्ड एंड दे हैड टू कवर देयर पोजिशन, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट दिस मच ऑफ राइज वुड कम इन द मार्केट। बट मैंने यहाँ 45,340 तक अपनी पोजिशन कवर कर दी थी एंड मैंने अपने ग्रुप पर भी बताया था कि 340 इज माई टारगेट, अल्टीमेट टारगेट इज 340। एंड ऑन दिस 17 जुलाई को आई स्टिल रिमेंबर मैंने अपना HDFC बैंक का भी एक ट्रेड दिया था, आई विल जस्ट शो यू HDFC बैंक का भी एक ट्रेड बना था, उसमें HDFC मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था ये ट्रेड। एंड इफ़ यू गाइज हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब इट बिकॉज वॉट एवर ट्रेड्स आई टेक आई पुट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो दैट इज़ द ट्रेड बिकॉज आई सेड HDFC बैंक इज कमिंग आउट ऑफ स्लम्बर, दिस इज द वर्ड आई यूज बिकॉज इट वॉज कंटिन्यूसली कंसॉलिडेटिंग बिफोर रिजल्ट। सो वंस एनी स्टॉक बिग स्टॉक इफ कंसॉलिडेटिंग बिफोर रिजल्ट तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यस एक डायरेक्शन में तो दिस इज गोइंग टू गिव अ मूव एंड इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग अ मूव आफ्टर 12 बजे के बाद इसने स्टार्ट कर दिया था मूव देना, तो आई वॉज वेटिंग कि द मोमेंट इट विल क्रॉस दिस एरिया, द मोमेंट इट इसने जैसे ही ये स्मॉल स्मॉल कैंडल का एरिया क्रॉस आउट करा देन अकॉर्डिंगली आई टुक दिस ट्रेड एंड दिस वॉज अ वंडरफुल ट्रेड। दो आई एग्जिटेड दिस ट्रेड ऑन द वेरी सेम डे
बिकॉज जहाँ पर मैंने 45,350 पर एग्जिट किया था वहीं पर मैंने HDFC भी ट्रेड एग्जिट कर दिया था, बट इट हैड गॉन मच मोर अप देन दैट, सो दैट्स ओके. सो दैट वॉज द ट्रेड ऑन मंडे एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट. ओके, सो ऑन द नेक्स्ट सेकेंड डे ऑल्सो दिस ट्रेड आई ऑल्सो गेव इन माई चैनल. तो मार्केट ने ओपन होते के साथ ही यहाँ हैमर कैंडल बनाया था एंड इट वॉज राइजिंग कंटिन्यूअसली एंड लुक एट RSI. RSI वॉज मोर देन 80, सो आई न्यू दैट मार्केट इज गोइंग टू कम बैक. मार्केट इतना ऊपर नहीं बढ़ेगा एंड इट गेव अ 45,900 तक का उसने लेवल टच करा एंड 45,900 के बाद 46,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग थी एंड आई कुड सी दैट फ्रेश शॉर्ट्स, इवन दो द मार्केट वॉज राइजिंग बट 46,000 पर फ्रेश शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे थे. सो आई न्यू दैट मार्केट विल नॉट गो अप, इट इज़ नॉट अप. यस, अगर 46,000 टिल 46,000 आई वुड हैव नॉट एंटर्ड द ट्रेड. अगर 46,000 क्रॉस कर देता एंड आई वुड सी कि यस शॉर्ट्स कवरिंग इज अबाउट टू कम, देन ओनली आई वुड हैव एंटर्ड द ट्रेड, अदरवाइज आई वुड नेवर एंटर द ट्रेड. आई एम नॉट अ कंपल्सिव बायर, आई एम नॉट अ कंपल्सिव ट्रेडर दैट मुझे ट्रेड करना ही करना है. इफ़ आई फील दैट यस देर इज समथिंग इज कमिंग अप, कोई फॉर्मेशन हो रहा है, देन ओनली आई ट्रेड, अदरवाइज एंड जनरली ऑन एवरी डे बेसिस. आप मेरा PNL मैं इस मंथ के एंड में शो करूंगा एंड मैंने पिछले मंथ का भी PNL डाला था, तो एवरी डे आई गेट, मेरे को एक ट्रेड तो मिल ही जाता है इधर इन निफ्टी और इधर इन बैंक निफ्टी. फिन निफ्टी भी मैं ट्रेड करता हूँ बट दीज टू आई मेजरली ट्रेड. सो ऑन दैट डे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बनाया था एंड एम पैटर्न बनाया था. ये एम पैटर्न जो है क्यों आया था ये मैं निफ्टी की हेल्प से बताऊंगा, बिकॉज ये एम पैटर्न मैंने निफ्टी की वजह से लिया था. वाई आई टुक दिस ट्रेड ओवर हियर, मैंने अपने चैनल पे ये ट्रेड यहाँ पर दिया था. आई टोल्ड दैट इफ बैंक निफ्टी क्रॉसेज दिस एरिया दिस लेवल देन यू कैन टेक दिस ट्रेड. लेट मी बी मोर क्लियर, या लाइक दिस दिस लाइन आई सेड कि इफ इट क्रॉसेज दिस लेवल तब आप यहाँ पर ट्रेड लीजिएगा एंड दैट टाइम दिस सपोर्ट वॉज देयर. सो बट आई टुक दिस ट्रेड ओवर हेयर एंड ओनली बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ निफ्टी, बिकॉज एट दिस टाइम आई वॉज इन निफ्टी पोजिशन ऑल्सो जिसमें मेरा SL हिट हुआ था एंड इस दिस आई कंटिन्यूड एंड आई गॉट अ वंडरफुल ट्रेड इन दिस. या सो एंड वाई आई एग्जिटेड हेयर, आई डिड नॉट वेटेड फॉर दिस बिकॉज यहाँ पर कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा था, सपोर्ट जोन बन रहा था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये यहाँ से थोड़ा सा जंप मार सकता है. सो दैट्स वाई आई एग्जिटेड ओवर हेयर, सो नथिंग टू थिंक बट ओके. सो या ऑन दिस डे, ऑन वेडनसडे को आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ कम्प्लीट साइडवेज मार्केट. सो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड दिया था बिकॉज इट वॉज मेकिंग ऑलरेडी अ रेंज ऑफ 45,800 से लेकर दिस 45,300 के बीच में एक रेंज बना रहा था, तो एक मदर कैंडल बना एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इट इज़ ऑलरेडी बिलो द सपोर्ट, बिलो द रेजिस्टेंस लेवल. वाई दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी टेकन रेजिस्टेंसेज 2-3 times. वन bearish candle has crossed this resistance this res this support and resistance level, so it has more or less confirmed again. So before this 3 instances had happened that this has become a very strong resistance level, so that is why it was below resistance level and yahan par ek usne ek inside candle pattern bana diya tha. So I knew that if it crosses this range till the time it is within this range there is a no trade zone for me. सो मैंने यहाँ पर ही एक ट्रेड लिया था, द मोमेंट इट क्रॉस्ड मैंने बताया था ग्रुप पर, अगर ये यहाँ से क्रॉस करेगा इट इज एक्सपेक्टेड टू गो इन दिस वे और इफ इट स्टेज इट विल गो इन दिस वे एंड इफ इट इज गोज अप इट विल गो इन दिस वे. सो दीज आर द 3 conditions दैट आई गिव एंड दीज आर द नॉर्मल 3 conditions विच विल हैपन इन एनी वे. सो आई टुक दिस ट्रेड द मोमेंट इट क्रॉस्ड विद द बियरिश कैंडल स्टिक, बियरिश कैंडल ले लिया, देन यहाँ पर आई टुक दिस ट्रेड बट ऑन द वेरी नेक्स्ट कैंडल दिस मेड अ हैमर कैंडल एंड सब्सिक्वेंट बुलिश कैंडल. सो एट कॉस्ट टू कॉस्ट आई एग्जिटेड दिस ट्रेड बिकॉज ये क्विकली 45,500 के ऊपर चला गया था. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 45,000 के नीचे आएगा तो 45,000 के जो पुट राइटर्स हैं दे विल ट्राई टू कवर देयर पोजिशन, बट हैमर कैंडल बना एंड सब्सिक्वेंट बुलिश कैंडल 45,000 के ऊपर, 45,500 के ऊपर, देन अगेन न्यू पुट राइटर्स विल कम, फ्रेश पोजिशंस विल बी बिल्ड अप. सो दैट इज व्हाई आई एग्जिटेड एट कॉस्ट टू कॉस्ट एंड इवेंचुअली एंड आई वॉज इन ए स्ट्रैंगल पोजिशन ऑल्सो, सो इतना मेरे को फर्क नहीं पड़ा, आई वॉज अल्टीमेटली इन प्रॉफिट. सो इट रिमेंड विद इन द रेंज ओनली. ऑन नेक्स्ट डे यू सी वॉट इट डिड, नेक्स्ट डे इट क्रॉस्ड माई दिस लेवल, इट राइजेज ओवर हेयर, इट कंसॉलिडेटेड बिलो 45,840 लेवल्स एंड ऑन
दिस डे एट ऑन थर्सडे एक्सपायरी के टाइम पे आई गेव इट इन माई चैनल कि द मोमेंट इट क्रॉसेज 45,840 टिल दिस वॉज माई अल्टीमेट टारगेट 45,840 बिकॉज दिस वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया फॉर मी बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी टेकन रेजिस्टेंसेस ट्वाइस. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर थोड़ा कंसॉलिडेट करेगा एंड आई सेड इन माई एंड आई गेव इट इन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो कि द मोमेंट इट विल क्रॉस दिस चैनल बैंक निफ्टी विल फ्लाई एंड इट फ्ल्यू एक्चुअली देन इट राइज नियरली अबाउट 500 पॉइंट्स दैट डे. So this was the point, this is the trade that I gave in my channel. Why I am not in this trade? Because I was in Nifty. So I was busy somewhere, so I could not take this trade, but I knew that this is going to happen and this happened eventually. And this is the today's trade. Today's trade मैंने आज बताया था अपने चैनल पे कि मार्केट इज मेकिंग अ रेंज एक बिकॉज टुडे आज आईटी सेक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी एंड मार्केट वॉज स्टेइंग अबव 46,000 लेवल्स. 46,000 के ऊपर ही कंटिन्यूसली स्टे कर रहा था. एंड सिंस निफ्टी वॉज टू वीक एंड बैंक निफ्टी वॉज अबव 46,000, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर 46,000 के क्विकली नीचे आएगा सो जो 45,000 के सॉरी 46,000 के जो कॉल राइटर्स हैं दे विल ट्राई टू कवर देयर पोजिशन एंड मार्केट में फॉल इवेंचुअली. एंड आई वॉज वेटिंग एटलीस्ट टिल 45,839 तक, जो मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा. बट जैसे ही इसने यहाँ क्रॉस करा आई टुक दिस पोजिशन, मेरा पोजिशन सिस्टम में सेट था एंड इवेंचुअली इट गॉट इट. द नेक्स्ट कैंडल व्हाट हैपन्ड, नेक्स्ट कैंडल ये बुलिश पियर्सिंग कैंडल बोलो या फिर इसको बुलिश हरामी कैंडल बोलो, इट केम एंड एट वेरी सडन पॉइंट ये अपने 46,000 के ऊपर मुझको ले गया एंड एट द वेरी सेम टाइम क्विकली आई वेंट आउट ऑफ दिस ट्रेड विद अ वेरी स्मॉल एसएल एंड देन इट वेंट अप इवेंचुअली. ओके, सो दिस इज हाउ बैंक निफ्टी हैज फेयर्ड दिस वीक एंड आई हैव गिवन माई बैंक निफ्टी ट्रेड्स व्हाट ट्रेड्स आई टुक. सो इस हफ्ते में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं. इस हफ्ते में एक तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड बुलिश 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 बनाया एंड आज इसने लास्ट डे एक डोजी कैंडल बनाया जिसमें एक लॉन्गर अपर विक भी है. यू सी दिस, एक ये लॉन्गर अपर विक भी है यहाँ पे और एक यहाँ पर ये लॉन्गर लोअर विक भी है. सो इट मीन्स दैट देयर इज एन इनडिसीजन, पीपल आर सेलिंग ऑल्सो एंड पीपल आर बाइंग ऑल्सो. सो इफ एनी डे ऑन डेली चार्ट अगर ये यहाँ पर 45,925 के नीचे जाता है, आई एम अगेन टेलिंग मार्क दिस लेवल, 45,925 के नीचे एक भी दिन ये डेली क्लोजिंग देता है नीचे जाता है, इट विल फॉल एंड इट विल कम एट लीस्ट टिल 45,432, टिल हेयर इट विल कम. ओके, सो लेट्स वॉच दिस स्पेस. ठीक है, इसको फिर हम नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में आई विल ट्राई टू कवर इट अप. ओके, सो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी ऑन वीकली चार्ट्स इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिया हुआ है. बट रिमेंबर वी आर इनटू मंथली एक्सपायरी है अभी एंड मंथली एक्सपायरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोल ओवर डेटा एंड बाकी क्या हो रहा है वो मैं आपको आगे वीडियो में बनाऊंगा सो बताऊंगा. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. ओके, सो लेट्स गो टू निफ्टी. वॉट ऑल ट्रेड्स आई टुक इट टुक इन निफ्टी दैट आई विल जस्ट शो यू नाउ. ओके, सो एंड अगेन प्लीज डोंट माइंड माई ड्रॉइंग्स, दिस इज हाउ आई ट्रेड. ओके, सो या, सो दिस इज निफ्टी. निफ्टी में जो है वीकली चार्ट पे निफ्टी हैज मेड अ इन्वर्टेड हैमर कैंडल. इन्वर्टेड हैमर यानी कि ऊपर बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, बट दिस सेलिंग प्रेशर इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओनली टू द आईटी सेक्टर में जो सेलिंग प्रेशर है उसकी वजह से, बिकॉज ये सारी सेलिंग आज ही आई है. बिकॉज यस्टरडे निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पर उसने क्लोजिंग दिया था. सो एट एनी डे इफ इट क्रॉसेस टुडे दिस वीक्स लो 19,562, तो दो इट इज़ टू फार, बट देर इज अनदर लेवल विच आई जस्ट कवर 19,669. इफ दिस इज द लेवल, इफ इट ब्रीचेस 1969 एनी डे क्लोजिंग पे देगा तो यू कैन एक्सपेक्ट द यस देर इज सम प्रॉफिट बुकिंग कैन कम इन द मार्केट. ओके, सो लेट्स गो टू द डेली चार्ट्स. या ऑन डेली चार्ट्स, डेली चार्ट्स में निफ्टी हैज़ कंटिन्यूसली डन परफेक्टली फाइन. ये पूरा बुलिश था, मैंने बताया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही काफ़ी बुलिश है, बट केवल आज इसने डोजी काइंड ऑफ कैंडल एंड बियरिश कैंडल दी है. बट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर एंड बिकॉज आज अगर मार्केट गिर भी रहा था देन ऑल्सो विक्स वॉज नॉट फॉलिंग. तो हम विक्स पे बाद में डिस्कस करेंगे. सो माई सेंटिमेंट इज स्टिल पॉजिटिव टिल द टाइम इट इज़ नॉट क्रॉसिंग 19,669 लेवल्स. टिल द टाइम इट इज़ होल्डिंग 19,669. सो इट मीन्स मार्केट इज ऑल ओके अबाउट इट. सो लेट्स गो टू अ स्मॉलर टाइम ऑफ टाइम फ्रेम. सो इसमें भी मैंने इस हफ्ते काफ़ी सारे ट्रेड्स लिए हैं जो मैंने शॉर्ट्स बनाए थे एंड मैंने बताया था दैट आई विल ट्राई टू कवर द लॉजिक बिहाइंड इट. एंड इस हफ्ते निफ्टी ने काफ़ी अच्छे ट्रेड्स भी दिए थे इनफैक्ट.
जो मैंने सारे अपने चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे दिए थे, एंड आई बिलीव जो मेरे ग्रुप में है उन्होंने डेफिनेटली ये ट्रेड्स लिए भी होंगे, बिकॉज इट वॉज क्वाइट टेम्पटिंग, यू नो. सो ऑन द वेरी फर्स्ट डे, मंडे को ही, जैसे ही बैंक निफ्टी ने राइज दिया था, उसी तरह से निफ्टी ने भी राइज दिया था. निफ्टी ने स्टार्टिंग में ही मॉर्निंग में मंडे को एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना दिया था, एंड एट दिस लेवल 19,595, मैंने अपने चैनल पे बताया था ऑन मंडे को, अबव 19,595 इट विल बी अ ह्यूज शॉर्ट्स कवरिंग. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स कवरिंग है. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गो एंड रीड ऑन दिस. 9:45 या 9:30 के बाद मैंने अपडेट दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन वॉच दैट. ओके, सो आफ्टर दैट इट वेंट अप इवेंचुअली एंड इट वेंट अप शार्पली. इट मैं ये पूरा ट्रेड कवर कर पाया था बिकॉज आई वॉज ट्रेलिंग एसएल कंटिन्यूसली, एंड आई न्यू दैट 19,500 के 600 के ऊपर गया है, इट विल कंटिन्यूसली बिकॉज मार्केट वॉज इज हाईली पॉजिटिव, एंड HDFC बैंक का रिजल्ट है, एंड काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही थी. सो दैट्स वाई आई वॉज इन टू दिस ट्रेड कंटिन्यूसली. ओके, सो दिस वॉज द लॉजिक बिहाइंड माई ट्रेड. एंड ऑन द सेकेंड डे में आई एंटर्ड इन टू दिस ट्रेड, मैंने अपने चैनल पर भी दिया था बिकॉज इट वॉज ए इनसाइड कैंडल पैटर्न, एंड बैंक निफ्टी ऑलरेडी मुझे वीक लग रहा था बिकॉज इट वॉज नियर टू अबाउट 47,000, एंड यहाँ पर निफ्टी ने 19,800 के नीचे ब्रेकआउट दिया था. ओवर हियर यू सी, ये इनसाइड कैंडल पैटर्न का लो था 19,768, तो इसने यहाँ से नीचे ब्रेकआउट दे दिया था, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि दिस विल गो डाउन. सो बट इट डिड नॉट वेंट डाउन, एंड यहाँ पर इसने मेरा एसएल पकड़ा था. इट राइजेज अप, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 800 के ऊपर जाएगा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एट मैक्स ये 800 या डेज हाई तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा. बट इट वेंट अप एंड इट टुक माई एसएल. एंड मैंने बैंक निफ्टी में जो बताया था आपको कि मैंने डबल टॉप लिया था, वाई आई टुक दैट ट्रेड, बिकॉज यहाँ पर इसने एक बियरिश कैंडल पैटर्न बना दिया था. यहाँ पर डबल टॉप लेने के बाद उसने यहाँ एक बियरिश कैंडल बनाया था, एंड सिंस बैंक निफ्टी का डेटा वाज मच मोर वीक, सो दैट्स व्हाई आई टुक दैट ट्रेड इन बैंक निफ्टी. ओके, सो आई मिस दिस ट्रेड. सो ऑलराइट, देन ऑन या देन ऑन दिस वेडनेसडे, वेडनेसडे को आई टुक दिस ट्रेड, एंड मैंने अपने चैनल पे भी बताया था कि द मोमेंट दिस विल क्रॉस दिस चैनल 19,788, बिकॉज अगेन इट वॉज मेकिंग अ इनसाइड कैंडल पैटर्न, एंड इनसाइड कैंडल पैटर्न बना रहा था, एंड आई न्यू दैट मार्केट इज नॉट दैट विल नॉट गो, मार्केट कैन नॉट कंटिन्यूअसली गो अप एंड अप एवरी डे. ठीक है, सम प्रॉफिट बुकिंग हैज़ टू बी देयर, एंड 19,800 एंड 19,900 लेवल पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बिल्डअप थे, एंड फ्रेश शॉर्ट्स भी बिल्डअप हो रहे थे. सो आई न्यू दैट मार्केट इज नॉट अप, मार्केट विल नॉट गो अप, इट विल टेक सम रेजिस्टेंस एंड मेक प्राइस एक्शन एंड इट विल कम बैक. सो फॉर मी टू टेक शॉर्ट पोजिशन, दिस इज द पॉइंट. आई कैन नॉट टेक एनी शॉर्ट पोजिशन इन बिटवीन बिकॉज देर इज नो क्लैरिटी, नो कन्फर्मेशन. सो आई टुक शॉर्ट पोजिशन ओवर हेयर, जैसे ही इसने इनसाइड कैंडल पैटर्न का लो ब्रेक करा, आई टुक दिस ट्रेड, एंड ये मैंने अपने चैनल पे भी बताया था, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग फर्स्ट टारगेट वॉज दिस वन 19,759. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो इसने थर्सडे को भी लिया है एंड जो इसने आज भी लिया था. आई एल जस्ट कवर इट अप. देन नेक्स्ट टारगेट वॉज 19,730, विच इसने आज भी 19,730 का टारगेट लिया है. दैट आई एल जस्ट कवर बिकॉज इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. सो आई टुक दिस ट्रेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन. देन ऑन द सेकेंड, ऑन द लास्ट डे, ऑन थर्सडे, थर्सडे को बोथ इंडेक्स फ्लू लाइक एनी थिंग, एंड फॉर निफ्टी देर वॉज अ रीजन वाई, बिकॉज निफ्टी हैड मेड अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन एंड देर वॉज अ ह्यूज रेजिस्टेंस वॉज देयर. ओके, सो फर्स्ट टाइम पे इट मेड अ रेजिस्टेंस, सेकेंड टाइम पे इट कन्फर्म्ड दैट येस इट इज अ रेजिस्टेंस, देन सम क्वाइट अ टाइम इट स्पेंट ओवर हेयर, इट ट्राई टू कंसॉलिडेट इन दिस रीजन एंड देन इट ब्रेकआउट्स. सो दिस वॉज द टाइम आई टुक दिस ट्रेड, एंड मैंने अपने चैनल पर भी बताया था, मैंने जब फॉर्मेशन हो रहा था एट दैट टाइम ऑल्सो आई टेट कि यस सम फॉर्मेशन इज बींग बिल्डअप, सो प्लीज टेक दिस ट्रेड. सो आई टोल्ड एवरी वन, एंड एट दैट टाइम ओनली आई गेव दिस टारगेट्स, दिस 19,911 एंड 19,944, ये दोनों मैंने अपने चैनल पर टारगेट्स दिए थे. सो आई कुड ट्रेल माई दिस थिंग अप टू 19,911 ओनली बिकॉज इट वॉज एर एक्सपायरी डे एंड इट वॉज ऑलरेडी नियरली अबाउट 1300 आवर्स, एंड यूरोपियन मार्केट्स का भी सबड्यूड ओपनिंग था, इट वॉज नॉट दैट गुड. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 19,900 पे इट विल टेक सम सपोर्ट एंड सम प्रॉफिट बुकिंग विल डेफिनेटली कम एंड मार्केट में ट्राई टू मूव बोथ साइड्स, बट नो इट डिड नॉट फॉलोड मी, इट कैप्ट ऑन गोइंग, इट हिट माई नेक्स्ट टारगेट 19,944 एंड इट इवेंचुअली टच द ऑल टाइम हाई ऑफ 19,999
1, एंड इन फ्यूचर्स इट हैज टच 20,000 ऑल्सो. सो दिस इज हाउ निफ्टी हैज फेयर्ड ऑन द एक्सपायरी डे. ओके, सो आई कुड नॉट कैच दिस एंटायर थिंग, आई कुड कैच ओनली 19911. सो इफ यू गाइज रिमेंबर दैट मैंने जब टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दिया था तो आई सेड दैट यस 19:11 पर माई टारगेट इज डन, सो आई एग्जिटेड दिस पोजिशन कम्प्लीटली. ओके, सो दिस इज टूडेज ट्रेड. या सो टूडे इन मॉर्निंग, या इन मॉर्निंग आई टी इंडेक्स की वजह से काफी, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट, या ओके. सो दिस वॉज द डे ऑन थर्सडे. थर्सडे को टिल 10 AM तक देर वॉज रिलायंस का प्री ओपनिंग सेशन था. सो मॉर्निंग में मैंने बताया था कि प्लीज डो, आई एम नॉट गिविंग एनी ट्रेड बिकॉज 10 बजे के बाद ही कुछ ट्रेड आएगा बिकॉज एम्बिग्विटी वॉज देयर. एंड 10 बजे के बाद इट गेव अ वंडरफुल ट्रेड एंड अबव इसके 800 के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ह्यूज शॉर्ट्स कवरिंग वॉज देयर. सो दिस इज ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज. सो ऑन या दिस इज टूडेज ट्रेड. टूडेज ऑल्सो आई टी इंडेक्स एकदम से फॉल हुआ. निफ्टी अनएक्सपेक्टेडली 200 पॉइंट डाउन खुला. सो सम रिकवरी वॉज एक्सपेक्टेड बट आई डोंट, यू नो, आई डोंट ट्रेड ऑन एक्सपेक्टेशंस, ब्लाइंड एक्सपेक्टेशंस टू बी प्रिसाइज, बिकॉज ये बढ़ भी सकता था, गिर भी सकता था. पीपल वर सेइंग यस इट विल राइज, आई ऑल्सो न्यू दैट इट विल राइज, बट यस देर वॉज नो कन्फर्मेशन, नो चार्ट पैटर्न, नथिंग वॉज कमिंग अप. सो आई डिड नॉट टुक दिस ट्रेड एंड इट वॉज अ, इट कुड हैव बीन अ गुड ट्रेड बट नो आई डिड नॉट टुक इट. सो आई वेटेड फॉर सम फॉर्मेशन टू बिल्ड अप एंड फॉर्मेशन बिल्ड अप ओवर हियर. इट टुक सम सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल एंड दिस इज द लेवल, व्हाट वाज दिस लेवल, 19795. मैंने अपने चैनल पर बताया था कि निफ्टी विल बी वीक ओनली बिलो 19795. दिस इज टूडेज ओनली. आई विल जस्ट शो यू वेयर इज इट. या एट 10:18 AM पे आई टोल्ड निफ्टी वीक बिलो 19795 ओनली, कीप एन आई. सो आई वाज आल्सो वेटिंग फॉर इट एट 10:18, 10:18, 10:18. या आफ्टर दिस, सॉरी, या ओवर हियर. तो यहां पर आई टोल्ड, देन इट टुक सपोर्ट 19794 एंड देन I took this trade the moment it started crossing down. I took this trade, and for me, first target was 19759, which is a very strong support. You can see it back. Then 19730 is my last support. So this was the support, and I exited over here because I knew that iske upar jana dikkat hoga. Hammer candle bolte hi I exited. ठीक है. Then it came back, and यहाँ पर मैंने एक और दिया था that 19816 के ऊपर there will be a good shorts covering. I'll just show you. So this is, this my first target was done, and I told that below 19759 this will be 730, and then 731 say it turned back. So I said that yes, Nifty shorts covering is expected above 19816 only, because it was continuously taking a resistance over here 19816. So it was my level also. It did not give any closing above 19816, nor any bullish candle. All were having upper wick. All were closing below down, so it indicates that yes, there is lack of momentum near the resistance levels. So I knew yahan par thoda market ruk sakta hai, consolidate kar sakta hai, but I was not expecting ki itna zyada gir jayega. So today Nifty, maine market summary mein bhi bataya that Nifty had made a roller coaster ride today. It was continuously moving up and down, so it was very difficult to predict today only. So I could make out only one trade today. So yeah. So, okay, let's go to the important aspect, VIX. We cannot leave VIX behind when we are into Indian markets. Okay, so, मैंने आपको पहले भी बताया था that any day, if VIX closing above 12.02 levels, we can see fall in the market. But fortunately, we did not see any day closing above 12.02 levels this week. It sustained. It remained below 12.02. It just went up one day and then it fell back and again came within the range only. And overall, today, if you ask me that what has happened, today's fall in Nifty was merely due to IT stock selling and a little bit of profit booking. And I will not say that sentiment has turned negative because VIX is still negative. VIX has closed 2% down today, 2.5%. So I am not expecting that volatility has gone up. And people are trying to cover their position. Still the time market is below 12.02. 11.79 is the first level and then 12.02. Till the time VIX is below these levels, I am not expecting a major profit booking. Yes, profit booking is there, that I'll just cover it now. But
यू डू कीप अ ट्रैक ऑफ विक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू कवर ओवर हियर, टुडे इट हैज़ गिवन अ क्लोजिंग बिलो 11.49 लेवल्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. द डे इट विल कवर, इट विल गिव अ क्लोजिंग ऑफ 11.15 और 10.77, यू विल सी ऑल टाइम हाई इन निफ्टी अगेन. सो कीप दिस लेवल्स इन पिक्चर. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज कॉल्ड FIADA activity, what these people are doing. Okay, so last week I said that yes, from you see 17 July, from last weekly analysis mein bhi maine bataya tha that usse pehle they were doing call short, now they have removed their call short. So this week they have continuously done put writing, so market has taken up. What they have done today, like I have been saying that on Friday, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी जो होता है उसकी पोजिशन बिल्डअप होती है. सो फ्राइडे जो पोजिशन बिल्डअप होती है वो डेफिनेटली टिल नेक्स्ट जो एक्सपायरी है थर्सडे की उस तक जो है वो फॉलो होती हैं. सो इफ FIS इज मेड अ पोजिशन ऑफ शॉर्ट ऑन फ्राइडे, ईदर दे विल कवर इट अप ऑन मंडे एंड पुट इट इन अ लॉन्ग पोजिशन, और दे विल कंटिन्यू रिमेन शॉर्ट टिल द एंड ऑफ द वीक. ओके, सो टुडे दे हैव मेड अ today they have made fresh short positions, because before this they were continuously in buying position, they were in positive mood, now they have turned out to be fresh short. So you will see what has happened today. They have sold stocks, they have sold index future. So if you have not read my yesterday market summary, I request you all to please read my market summary of yesterday, because usme maine bataya tha that even though market has touched new highs, but FIA's future index building position has crossed 100,000. So yesterday, before I got this data, I already told in my market summary that they have already crossed 100,000. I could see the live data, NSE data. So I could tell ki yes, they have already crossed 100,000 in their future OI. And there is expected a profit booking before they take market up. So aaj exactly wahi hua. They have covered their long positions. They have done some profit booking, not much now, but still you have to keep an eye on this as well. Okay, so this is from my side, and this is my trading channel, this is my Telegram channel, this is Trading Secrets. If you have not subscribed to this channel, I request you to please subscribe it. And yes, I have started a page at Facebook, Instagram, and YouTube is my channel where I post my weekly analysis. This video is going to go on YouTube, and my other short videos and other videos as well. Few more videos are coming, are in the pipeline, and they will be coming next week. So I request you to please subscribe to all these channels, and please help me so that I can bring as much as trading fraternity within this profitable journey, because I don't want people to speculate what is going to happen in the market and they do eventually get losses. Okay, so thank you very much. That's it from my side, and I request you to please like, comment, share, and subscribe my channel. And do leave a comment if you like this video, and if you really want me to cover something else, please comment this in the comment box as well, so that I'll try to incorporate those details as well, so that you can learn as much as possible from my side. Okay, so thank you very much, and have a good day. Thank you.